जिला गिरिडीह प्रखंड जमुआ के सुरजुगादी गांव में ग्रामीणों का कहना है कि आज तक यहां पे कोई ही आंगनबाड़ी नहीं है। इससे यहां के महिलाएं और बच्चों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां के बच्चों को किसी तरह का पोषाहार नहीं मिलता। हल्का फुल्का यही लोग आके जानकारी देते हैं, किसी बात का कोई कहने वाला बताने वाला यहाँ आए नहीं। आपके गांव में आंगनबाड़ी है? नहीं है। तो आप लोग क्यों कोशिश नहीं किए? कोशिश करते करते हम यहाँ बात को आप सुनने के लिए चाहते हैं। हम जमुआ ब्लॉक में कोशिश किए, मुखिया द्वारा लेके CDPO के पास 7 बार गए हैं, बड़ा बाबू के पास में 7 बार गए हैं। इसके बाद में लोगों को जवाब देने के बाद में हम मधुपुर हाजी हुसैन जो मिनिस्टर आज बन के बैठा हुआ है उसके पास हम ढूंढते हुए गए हैं। यहाँ के बच्चों को पोषाहार कहाँ से मिलता है? कहीं से नहीं मिलता है, बेकार कूदता फिरता है वैसा ही। ना डॉक्टर का कोई सुविधा है, ना खाना का कोई सुविधा है, ना कपड़ा का कोई सुविधा है। यहाँ का बच्चा यार, यहाँ का गर्भवती औरत यार, यहाँ का दुधारी औरत सब वैसा ही तड़प तड़प के रहती है। तो आप लोग महिला है क्या, आप लोग को ये अच्छा लगता है कि आपके सामने छोटे छोटे बच्चे? नहीं लगता है, बच्चे लोग इधर उधर होता है तो क्या था, हम लोग को समझ में आते नहीं। वो आता है यहीं पर, नहीं पर वो थी ऑफिसर, तो किसके हम बताएंगे। सुरजुगादी गांव में जनसंख्या लगभग 1900 से 2000 तक की है, जबकि यहां पे कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। मैं वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से अपील करती हूं कि जल कल्याण विभाग अधिकारी को फोन कर दबाव दें 8084380015 पर फोन कर दबाव दें, ताकि इस सुरजुगादी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र दी जाए और यहाँ के महिलाओं और बच्चों को पूरी तरह से सुविधाएं मिल पाए और इन्हें किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मैं बिना भारती, जिला गिरिडीह, झारखंड, इंडिया, अनहर्ड के लिए।